साहब को श्रद्धांजलि देने एक बंदा भी नहीं आता है पटना से चलकर सिवान, और कहते हैं कि वो हमारे सांसद थे, वो फाउंडर मेंबर थे, तो आज उनकी श्रद्धांजलि है इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पार्टी कार्यालय में भी नहीं मनाई जाती है और उनका फोटो यूज किया जाता है कि आप लोग मेरी गाड़ी पे बैठ कर आइए, या एक रुपया हमने तेल का खर्च नहीं दिया है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि लोग दिल से डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को चाहते हैं। आप लोग को जानना चाहिए कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब विकास पुरुष थे और उनकी पुण्यतिथि नहीं है, ये उनकी जो शुरुआत थी सिवान जिला की भलाई के लिए वो आज ही से शुरू हो रही है। मैंने कल एक कड़ी जोड़ा है और आज से मैं दूसरी कड़ी तीसरी कड़ी जोड़ती जाऊंगी, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैडम, आपके नामांकन की चर्चाएं पूरे प्रदेश में की जा रही है, आपने साधारण तरीका से इस पर नामांकन किया है, जबकि इसके पहले बार आपने रिकॉर्ड मत भीड़ जुटाती थी अपने नामांकन में। जुटाते नहीं थे, लोगों को मौका दिया जाता था, लोगों को बता दिया जाता था कि फला दिन का मेरा नामांकन है, पूरे जिले से लोग इकट्ठे हो जाते थे। आज तक हम लोगों ने एक गाड़ी भी किसी भी प्रखंड में किसी भी गांव में नहीं भेजा है कि आप लोग मेरी गाड़ी पे बैठकर आइए, या एक रुपया हमने तेल का खर्च नहीं दिया है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि लोग दिल से डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को चाहते हैं और अपने दिल में रखते हैं, मेरे लिए भी छोटा सा अपने दिल में जगह दे रहे हैं। हिंदू विधि विधान के साथ आपका नामांकन हुआ है, इसको लेकर भी चर्चाएं हैं पूरे प्रदेश में। हमने कहा है ना कि सिवान जिला हमारा है, सबकी सोच के साथ मुझे चलना है। मुझे कोई विधि विधान नहीं था, लोगों का प्रेम था, स्नेह था, कि लोगों का अरमान था कि हमारे द्वार पे एक हाथी आए। हालांकि लोग बड़े बड़े हाथी घोड़ा और ऊंट के साथ जुलूस निकाल कर नामांकन करते हैं, तो मेरे दरवाजे पे ये आई तो मान लिए कि वो भी तो मेरी मेहमान था ना, मेहमान को तो मैं मिठाई और फल खिलाऊंगी ना। आशीर्वाद मिला मैडम? बिल्कुल बिल्कुल, सभी का आशीर्वाद है, सभी की दुआएं हैं, सभी की प्यार व खलूस के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। कल एक खास तस्वीर देखने को मिली, लगभग 20 से 25 या 30 की संख्या में जो लोग पहुंचे थे, सब के सब तिलकधारी थे। कल मंगल था, सभी लोग अपने मजहब के हिसाब से पूजा अर्चना करके निकले थे। सब लोग मेरे लिए कर रहे हैं, आप मस्जिद में कर रहे हैं, वो लोग मंदिर में कर रहे हैं, तो मेरे लिए तो सम्मान की बात है ना, आप सबके लिए भी सम्मान की बात हो रही है कि ये सिवान हमारा एक हो रहा है। और सिवान हमारा परिवार जिस दिन एक हो जाएगा, उस दिन सिवान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। मतलब विकास लंबे समय से रुका हुआ है, फिर एक बार पुकार रहा है कि एक बार फिर सिवान विकास की ओर बढ़े, क्या कहें? देखिए, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जो आपके पूर्व सांसद रहे हैं, आज हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन उनकी विचार उनकी सोच आप सबके बीच में है, और सब लोग वक्त पे ये बात कहते रहते हैं कि विकास रुकी है, विकास रुकी है। मैं कहती हूँ नहीं, जो लोग भी आए वो अपने तरीके से जो भी काम किए बहुत अच्छा किए हैं, मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी उस काम में मैं जोड़ना चाहूंगी, अपने आप को समर्पित के लिए मैं निकली हूँ सिवान जिला के लिए, मैं समर्पित करके इस्लामिया नगर के लोगों से। मैडम क्या कहिए, आई हूँ यहाँ पे? मैंने कहा, मैंने अपनी बातों में रखा कि इस्लामिया नगर के लोग पहले अपने रास्ते को सही करें, फिर उसके बाद अपने घर के अंदर की साज सजावट करें। मैडम, साहब का पुण्यतिथि है और आपने बड़ा बयान दे दिया है कि राजा जब साहब का नहीं हुआ तो आम लोगों का कैसे हो सकता है। साहब को श्रद्धांजलि देने एक बंदा भी नहीं आता है पटना से चलकर सिवान, और कहते हैं कि वो हमारे सांसद थे, वो फाउंडर मेंबर थे, तो आज उनकी श्रद्धांजलि है इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पार्टी कार्यालय में भी नहीं मनाई जाती है और उनका फोटो यूज किया जाता है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।